कैथल से बड़ी खबर है, जहां एक व्यक्ति टावर पर चढ़ा के बड़ी खबर आपको बता रही है। तो कई घंटे तक टावर पर चढ़कर हंगामा किया गया है, बवाल किया गया है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक जमीन मामले में कार्रवाई न किए जाने के आरोप लगाए गए हैं और ढान रोड पर प्लॉट पर कब्जा करवाने का आरोप भी लगाया गया है। तो हाई वोल्टेज ड्रामा ही देखा गया है, कई घंटों तक युवक टावर पर चढ़ा रहा और जमीन से जुड़ा दरअसल कोई मामला बताया गया है। ढान रोड पर प्लॉट पर कब्जा करवाए जाने के आरोप भी युवक की ओर से लगाए गए हैं। तो कैथल का ये पूरा मामला एक बार फिर से आपको बता दें, जमीन से जुड़े मामले को लेकर कई घंटे तक युवक टावर पर चढ़ा रहा और ढान रोड पर प्लॉट पर कब्जा करवाए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। साथ ही जमीनी मामले में कार्रवाई न किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको खबरें अभी तक दिखा रहा है। देखिए, स्थानीय लोगों की ओर से प्रयास किया गया समझाने बुझाने का, नीचे उतारने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद भी घंटों ये युवक टावर पर चढ़ा रहा और जमीन से जुड़ा मामला बताया गया है, कार्रवाई न किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही अभी तक की जानकारी के मुताबिक ढान रोड पर किसी प्लॉट पे कब्जे का ही मामला बताया गया है और प्लॉट पर कब्जे के मामले को लेकर के नाराज होकर ये युवक टावर पर चढ़ा है, जिसको समझाने बुझाने का प्रयास भी काफी समय तक किया गया। तो कैथल की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोगों ने समझाने बुझाने का प्रयास किया, काफी संख्या में आसपास के लोग जुटे और युवक को नीचे उतरने का बार बार, देखिए किस तरह से लोगों की ओर से कहा गया, समझाने का प्रयास किया गया। वीरेंद्र पुरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं कैथल से। वीरेंद्र पुरी, जानकारी दीजिए और साथ ही अपडेट ये भी, क्या युवक फिलहाल टावर से उतर चुका है? जी ज्योति, जैसा कि ये सुरेश सैनी है और चंदाना जो गेट है वहां पर ही रहता है। इसका कोई जमीन से जुड़ा कोई मामला था, सन सिटी में इसका प्लाट था जिस पर कोई कब्जे को लेकर मामला दर्ज करवाया था सिविल लाइन में। तो वहां जब इसके इस पे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसने ये फैसला लिया और टावर पर चढ़ गया। काफी लगभग 2-3 घंटे टावर पे चढ़ा रहा, उसके बाद सिविल लाइन जो सिटी थाना SHO है प्रदीप कुमार, वो पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया और इसको नीचे उतारा। जी ज्योति, तो कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद वीरेंद्र ये युवक जो है टावर से फिलहाल नीचे उतर आया है, ये अपडेट है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो SHO मौके पर पहुंचे, आश्वासन दिया गया कि देखिए आपके मामले में कार्रवाई होगी, आप टावर से नीचे उतरिए। और ये आश्वासन मिलने के बाद युवक इस टावर से नीचे उतरा है, घंटों टावर पर चढ़कर ये हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया है। तो कब्जा किए जाने का दरअसल ये मामला बताया गया है, जमीन पर कब्जे से जुड़ा ये पूरा मामला रहा और स्थानीय लोगों की ओर से भी समझाने का प्रयास किया गया। उसके बाद पुलिस पहुंचती है, पुलिस की ओर से आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद युवक इस टावर से नीचे उतरता है। तो कैथल से बड़ी खबर आपको बताई, साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाई। किरण जी, क्या व्यक्ति कौन है और क्यों चढ़ रहे हैं? क्या वास्ते चढ़ रहे हैं? क्या वास्ते के जमीन है वहाँ पे सन सिटी में? जी हाँ जी, धक्का तक कब्जा करने लग रहे हैं जी, वे पुलिस वाले साथ मिले हुए हैं, पैसे पुसे खुआ रखे हैं उन्हें। यो एकला समझ के इसने सोचा भाई काट दे बाहर, ये जो क्या करे और कल आदमी जो कोई नहीं गले लगता तो इसने मना कर मना के किस तरह तरह जी, वो काम बंद करवाना पड़ेगा। क्यों धक्का दे न्यू क्या साल हो गए जी, केस जीत रहे सारा कुछ रहे। नहीं, कहीं शिकायत वगैरह भी की आप लोगों ने? कुछ के पुलिस वाले ने शिकायत कर ली, कोई नहीं सुनता। तो पुलिस वालों ने कार्रवाई की नहीं? पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं,